हेलो दोस्तों, तो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ यूपी स्पेशल के करंट अफेयर्स जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके यूपी SSSC PET एग्ज़ाम जो कि 15 और 16 अक्टूबर को होगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि यूपी स्पेशल के हैं और यूपी से रिलेटेड हैं। तो इनमें से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जहाँ कोई भी रामसर साइट नहीं है? गोंडा, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ। तो आप लोगों को बता दें कि लखनऊ एक ऐसा शहर है उत्तर प्रदेश का जहाँ एक भी रामसर साइट नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में कुल 8 रामसर साइट हैं। देख सकते हैं कीतम झील जो कि आगरा में है, समन झील जो कि मैनपुरी में है, समसपुर झील जो कि रायबरेली में है, नवाबगंज वो जो कि उन्नाव में है, पार्वती अर्गा झील जो कि गोंडा में है, सैंडी झील हरदोई में है, असरसरी नवार इटावा में है, और ब्रजघाट से नरोरा गंगा नदी तट जो कि नरोरा में है उत्तर प्रदेश। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की एक कुल 8 रामसर साइट हैं जिनको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, और लखनऊ में ऐसी कोई भी रामसर साइट नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वरोजगार के अवसरों की खोज के लिए युवाओं के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह उद्यम सारथी, याद रखना आप उद्यम सारथी। इनमें से किस विश्वविद्यालय ने कर्मयोगी योजना की शुरुआत की है? तो यह लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने कर्मयोगी योजना की शुरुआत की है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की शुरुआत मोहम्मद अली मोहम्मद खान और खान बहादुर ने इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत की थी। उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम ने थैला बैंक की शुरुआत की है? तो यह लखनऊ नगर निगम। लखनऊ देश का 9वां शहर है जिसने हाल ही में म्यूनसिपल बॉन्ड की शुरुआत की है, ये भी याद रखना। हुनर हाट के 24वें संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो लखनऊ। यह कार्यक्रम अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। इनमें से कौन सा एंटी लैंड माफिया सॉफ्टवेयर उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है? तो यह धरा। धरा जो है वो एंटी माफिया लैंड सॉफ्टवेयर है, आप याद रखना। इनमें से कौन सा शहर प्रस्तावित डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है? तो वो है वाराणसी। तो वाराणसी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है यूपी का उसमें नहीं आता है। तो कौन से शहर हैं जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में हैं? तो 6 शहर हैं जो हैं अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, कानपुर। तो आप इनके नाम याद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो उस योजना का नाम है अभ्युदय, आप लोग याद रखना। इनमें से उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेस वे है जहाँ पर हवाई विमान पट्टी बनाई गई है? पूर्वांचल, यमुना, बुंदेलखंड या गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे? तो यह पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इनमें से दिया गया। वैसे तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे भी हवाई पट्टी है, बट उसका नाम यहाँ पे नहीं है। किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? तो यह किसान कल्याण मिशन। किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने उत्तर प्रदेश को बिजली प्रबंधन के लिए 430 मिलियन डॉलर का लोन दिया? एशियाई विकास बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। तो याद रखना। इनमें से कौन सी जगह पर साल 2021 में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन होगा जिससे जैविक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके? तो यह रामगढ़ ताल झील गोरखपुर में स्थित है। तो रामगढ़ ताल। उत्तर प्रदेश का पहला लिक्विड ऑक्सीजन नाइट्रोजन और आर्गन बनाए का प्लांट किस जिले में लगा है जो कि 150 टन प्रतिदिन की क्षमता के साथ उत्पादन कर सकता है? तो यह गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है? तो है गौतम बुद्ध नगर और नोएडा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेप्सिको कंपनी आलू के चिप्स बनाने का प्लांट लगाएगी जिसके जरिए 814 करोड़ का निवेश आएगा? ये मथुरा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत का सबसे पहला लेदर पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो यह कानपुर। कानपुर को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, लेदर पार्क कानपुर। भारत और यूके यानी इंग्लैंड के बीच इंद्रधनुष नामक युद्ध अभ्यास हिंडन एयरफोर्स पे हुआ, ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो हिंडन एयरफोर्स का जो स्टेशन है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में स्थित है, याद रखना। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया? तो यह बाराबंकी। वाराणसी के कौन से रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया? तो है मंडुआ हिडी, नाम याद रखना। मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना के तहत कितने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक रोड का निर्माण किया जाएगा? तो है उनकी संख्या 19। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बरेली में किसने नेतृत्व किया था? तो यह है खान बहादुर।
1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, ऊधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। तो ऊधम सिंह इससे संबंधित नहीं थे, बाकी सभी लोग हैं। कानपुर षड्यंत्र का मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो यह साम्यवादी आंदोलन। निम्नलिखित में से किन स्थानों की तीर्थ यात्रा अशोक ने नहीं की? अयोध्या, हरिद्वार की उसने नहीं की, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, हर जगह की उन्होंने यात्रा की थी। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? पहला और दोनों, ऋषिपतन और मृगदाव। तो आप याद रखें। जौनपुर नगर किसकी समय में था स्थापित किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा? जौनपुर। चौरी चौरा घटना कब हुई? 5 फरवरी 1922। आप इस तारीख को याद रखें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टोपरा तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली किसने लाया? तो फिरोज शाह तुगलक। 1 नवंबर 1958 को महारानी का घोषणा पत्र को इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया? लॉर्ड कैनिंग ने। तो दोस्तों ये थे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूपी और कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन, जो आपकी UP SSC PET एग्ज़ाम जो कि 15 और 16 अक्टूबर को होगा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, 5 मिनट की ही वीडियो है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।